आवास पाई आत्महुति उद्यम दिव्यांग युवक उठाई नेला पुलिस। आज बालेश्वर पुलिस लाइन छक मुख्यमंत्री गाड़िया को डेईवा उद्यम करुवा बेले पुलिस दिव्यांग मृत्युंजय उपाध्याय को उठाई नहीं। मुख्यमंत्री बालेश्वर गस्त बेले आत्माहुति पूर्व चेतावनी देते सिमुलियार मृत्युंजय। गत वर्ष मुख्यमंत्री बालेश्वर गस्त बेले पक्का घर देवा लिखित प्रतिश्रुति देता प्रशासन, किंतु वर्षे पर भी किछि हलानी। तेणु से पुणी थरे मुख्यमंत्री सामने आत्माहुति चेतावनी देते। बालेश्वर भोगपुर शासन गाँव स्वर्गत नारायण उपाध्याय पत्नी मालती उपाध्याय और दिव्यांग पु मृत्युंजय मुख्यमंत्री को यह कौन उत्तम राजनीतिक संस्कृति, ये कौन गणतंत्र शुभंकर, मुख्यमंत्री भय कौन से जनवाक चाहती जो केन्द्र किसी ना से एक्टिया करपरिक राज्य सरकार अनुदान हेले स्थानीय विधायक और सांसद मान को डाकवा कथा, किंतु से करूना प्रत्येक कार्यक्रम एपरिक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुभ देवाई स्थानीय विधायक मान मना कर से किसी जगह शुभ देवा बंद होगा। जड़े विधायक कहले प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुभ दि जाए, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क शुभ दि जाए, जिलापा सब जानते पाखे चर्चा आई थी एक्जिक्यूट इंजीनियर मोर उपस्थित मुझे चाहे ये गोटे निकृष्ट और निचतापूर्ण राजनीतिक संस्कृति आरंभ हो आज नुहे बीजेडी सरकार आरंभ करु यार परिणाम भल नुहे। मुख्यमंत्री उदार होगा कथा, समस्त को एकमोडेट करवा कथा, जितवापर जने मुख्यमंत्री कौन सी दलर बोली निजी एत विचार कर निर्वाचन समय दल बाकी समय से समस्त मुख्यमंत्री अन्न दल आउ जे मुख्यमंत्री ना मो पाक भी अगर दल दल लोक मैंने आसे मुझे बाछ विचार करना कारण से आउ जे एमपी ना मानव मुख्यमंत्री सरकारी नियम ऊर्धे नुहत जो सब विभिन्न समिति जो थे एमपी एमएलए मैंने मेम्बर विधानसभा पार्लमेंट चलता बेले से सब समिति मीटिंग डाक निषिद्ध अच्छे बालेश्वर भी मीटिंग डक जा पुणी कहले जिलापाल कहते आमको चिठी करूँ सरकारी नियम तो मैंने जानवा कथा ये बड़ा चिंताजनक कथा। नो बडीज अबव ल आईन सार्वभौमता को समस्त को स्वीकार करने पड़े मुख्यमंत्री आईन ऊर्धर नुहत जिला प्रशासन को किसी कहार नहीं कारण से असहायता मुझे बुझीपार इच्छा था कि न था से बाध्य दासवत निर्देश को अनुचित निर्देश को पालन करने जा सबुठ बड़ चिंताजनक विषय हूँ जे एक गोटे बेनियम काम कले पुणी ए विषय रेल विभाग निषेध सत्वे तो कर चलते काली डीआरएम ए विषय माननीय रेल मंत्री निर्देश क्रमे चिठी कर जिलापा चिठी कर डेफर करूँ कारण सेफ्टी सर्टिफिकेट मिली ना सेफ्टी सर्टिफिकेट न मिलवा बेले करेंगे कमी रेल विभाग सेफ्टी सर्टिफिकेट देवे कनसर्ण अथॉरिटी ठीक सेफ्टी सर्टिफिकेट नपाई करें गोटे रेल ओवर ब्रिज गाड़ी चलो कमी तार टेक्निकल टेस्टिंग जैक हे कि अपेक्षा कले ना मुझे ए विषय जिलापा सहित कथी आणु उद्घाटन कार्यक्रम पूर्व सेफ्टी सर्टिफिकेट हासिल करवा कथा से मैंने पूर्व दुई दुईटा चिठी करदे ये चिठीर कपी मुझे देखा दुई दुईटा चिठी कर कि लेवल क्रसिंग को बंद करने सहमति जो ओवरब्रिज चालू हम तापूर्व लेवल क्रसिंग बंद करने जिला प्रशासन राज्य सरकार को सहमति दरकार तार कौन सी उत्तर देना कौन सी उत्तर ना परे चुपचाप एपरी करेल विभाग को भी जन ना मत गोटे का राति गोटे मेल आसला यू आम कह बोध आसला से गोटे इनफर्मेसन हो मुख्यमंत्री जाऊँगा मत भी है कलेक्टर करते एमपी एमएलए मानक जनईदे ये कौन उत्तम राजनीतिक संस्कृति परिचय उदारता बिल्कुल ना सौजन्य ना एपरी बेआईन कार्य करणसावासी और बालेश्वरवासी या विचार करने मुदन करुठ दुखदायक कथा जी रेल विभाग तुम चिठी करके निषेध कले सी आम बीजेपी कार्यकर्ता कहीं गिरफ कर काल रात पहुँची थे लोकों घर आज सका भोर भोर आम जिला सभापति अन्न्य कार्यकर्ता मान को प्राय 20 जन पाखापाखि आरेस्ट कर विभिन्न थाना मानक रखी ए चाहे जे ताले देश में रूल अफ ल चलो कि नहीं ओडिशा राज्य कौन भारत बर्षर बाहर ये गणतंत्र हत्या सहित तो सामान सत्यर कंठरोध कराऊ मान्य मुख्यमंत्री बार्ता देवा चाहती
ଯେମିତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାକୁ ସେମାନେ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଲେଖିକିରି ଆଉ ପ୍ର ଆ ଯେଉଁ ଛୋଟିଆ ଲେଖିକିରି ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ସେଥିରେ ଥାପିକିରି ଯେମିତି ଚୋରି କରୁଥିଲେ, ଯେମିତି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ନିଜ ନାମରେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ, ସେପରି ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପଇସା ଏଥିରେ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଯେଟା କେବଳ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ବୋଲି କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ସୌଜନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରେଳ ବିଭାଗକୁ ତାଙ୍କର ଜଣାଇବା କଥା, ଏମ୍ପିଏମ୍ଏଲ୍ଙ୍କୁ ଜଣାଇବା କଥା। ସିଏ କେବଳ ଦଳୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ଅଲଗା ଅଲଗା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରହିବେ କି? ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ବିଷୟରେ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀ ଏପରି ଅସଭ୍ୟତାକୁ ବରଦାସ୍ତ କରିବେ କି ଏ ବିଷୟରେ ଜନସାଧାରଣ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଏ ଅସଭ୍ୟତା, ଅସହିଷ୍ଣୁତା, ଅସୁରକ୍ଷାର ଭାବନା ଯାହା ଭିତରେ ଅଛି, ସେ କେମିତି ରାଜ୍ୟ ଚଳାଇବେ? କାହାକୁ ସେ ଡରୁଛନ୍ତି? କ'ଣ ପାଇଁ ଡରୁଛନ୍ତି? ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ନାହିଁ, କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀର ଭୟ? ତେଣୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଏ ବିଷୟରେ ଜନସାଧାରଣ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହିପରି ଅସଭ୍ୟତାକୁ ରାଜନୀତିରେ ସ୍ଥାନ ଦିଆନଯାଉ। ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ କାମ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ଏ ବିଷୟରେ ଜନସାଧାରଣ ବିଚାର କରିବେ।